हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप मेरे नए नए वीडियोस को देख पाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो चलिए, आज मैं आप सबको मथुरा वृंदावन की सैर कराती हूँ। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर आप होली के समय आएंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। होली के समय देश विदेश से लोग होली मनाने आते हैं और यहाँ घूमते फिरते हैं। विदेशी यात्रियों के लिए तो यहाँ होली मनाना एक नया अनुभव होता है। विदेशी यात्री तो हम सबके साथ फोटो लेने के लिए बहुत ही आग्रह कर रहे थे कि होली खेलते हुए हम उनके साथ फोटो खिंचवाएं। बांके बिहारी मंदिर और भी कई मंदिरों में यहाँ बहुत होली खेली जाती है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है और पूरा समा होली के गीतों से सजा हुआ दिखता है। यहाँ की बाजार सब कुछ में हम बहुत रौनक दिखती है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, सभी बहुत आनंद उठाते हैं। मथुरा एक छोटी सी जगह है, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इतनी मंदिर हैं कि आप एक दिन में देखते देखते थक जाएंगे। यहाँ कई तरह से होली मनाई जाती है, फूलों वाली होली और भी कई तरह की होली। पूरे एक महीने यहाँ होली लोग मनाते हैं, इसलिए होली के समय जरूर जाएं और दो दिन होली के लिए ही स्पेशली अलग से निकाल कर रखें। आपने फिल्मों में भी देखा होगा लठमार होली, ये सब के बारे में बताया गया था। टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी आप देखते हैं, कृष्ण सजकर लोग रहते हैं, होली खेलते हैं। यहाँ आकर आपको सच में लगेगा कि भगवान कृष्ण की नगरी में आप आ चुके हैं। द्वारिकाधीश टेंपल में भी बहुत अच्छी होली मनाई जाती है। होली के अलावा भी आप यहाँ बहुत घूम सकते हैं, बहुत घूमने का जगह है। राधा बल्लभ मंदिर जो यहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी होली की धूम रहती है। भजन कीर्तन से समा और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ लोग सॉरी या फिर हटिए नहीं कहते हैं रास्ते में चलने से भी, सभी राधे राधे ही हर समय कहते हैं। नमस्कार कहने के लिए भी सभी राधे राधे का ही इस्तेमाल करते हैं। बरसाने भी जा सकते हैं, जो राधा का स्थान है। ऊपर से और भी अच्छा दिखता है, बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगी। बरसाने से बहुत अच्छा सीन दिखाई देता है बरसा जाकर। प्रेम मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है और नया बनाया गया है। अंदर बाहर दोनों तरफ से बहुत सुंदर है, बहुत डेकोरेटेड है। बाहर पूरे कृष्ण जी की लीला ये सब के बारे में बताया गया है, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, रास करते हुए, रासलीला करते हुए, हर ढंग का आपको यहाँ पर बाहर में सजावट दिखेगी। अंदर का रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं करना अलाउ नहीं था, बाहर के कुछ फोटोज ली हूँ। मंदिर की भी फोटो बाहर से मैं ली हूँ, रासलीला करते हुए देख रहे हैं। निधि वन भी है जहाँ पर कृष्ण भगवान जाया करते थे, रासलीला करते थे। निधि वन के जो वन है वो बहुत ही, वहाँ पर वृक्ष लगे हैं, लेकिन वो वृक्ष ज्यादा बड़े नहीं होते हैं।
मंदिरों के अलावा आप बोट वगैरह भी कर सकते हैं। विश्राम घाट से बोटिंग करके आप जा सकते हैं। बोट को भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। ये बोटिंग आप यमुना में ही करते हैं। यमुना नदी जो बिल्कुल काली दिखाई देती है। नदी पार करके आप वहां पर आगे आश्रम वगैरह भी घूम सकते हैं। थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए।